इतने आदमी थे? सरदार छे। तेरे से नहीं पूछा, अपने फिल्म स्कूल, ये फिल्म स्कूल के व्यूअर्स से पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको याद है ना कितने आदमी थे, या फिर स्वागत नहीं करोगे हमारा? ऐसे कितने ही डायलॉग्स हैं कई फिल्मों से जो आपको याद रह जाते हैं। और वैसे देखें, जो फिल्म हमें अच्छी लगती हैं, तो जब हम उन्हें याद करते हैं, क्या हमें पूरी की पूरी फिल्म याद होती है? नहीं, बस उनसे कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। और वहीं कुछ सीन्स कुछ फिल्म्स के ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना ही अच्छा लगता है। थिएटर से बाहर निकले और उफ, वैसे ही डायलॉग होते हैं जो हमें बहुत ही बोरिंग लगते हैं। तो वो बोरिंग डायलॉग लिखने से बचे कैसे? वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो डायलॉग्स को बोरिंग बनाती हैं, और उन मिस्टेक्स के बचना कैसे है, यही होने वाला है हमारा आज का टॉपिक। तो आइए दोस्तों, मैं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल स्वागत करता हूं आपका ये फिल्म स्कूल के इस एपिसोड में, जिसमें हम सीखेंगे कि कमज़ोर डायलॉग लिखने से कैसे बचे। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डायलॉग का पर्पस क्या होता है फिल्म के अंदर। डायलॉग किस वजह से लिखा जाता है, वो क्या काम करता है? ऑफ कोर्स पब्लिक को एक एंटरटेनमेंट वैल्यू तो प्रोवाइड करवाता ही है, लेकिन उसके अलावा डायलॉग के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कहानी या प्लॉट को आगे बढ़ाना, कैरेक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करना, या प्लॉट के ही बारे में कोई इम्पॉर्टेंट क्लू या ट्विस्ट रिवील करना। अगर डायलॉग फिल्म का इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो डायलॉग फिल्म के लिए सही है, अदरवाइज वो फिल्म के लिए अननेसेसरी है और कहीं ना कहीं वो कहानी को ड्रैग करता है, अननेसेसरी खींचता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि डायलॉग जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे ही आए, उसके अलावा आप डायलॉग को अवॉइड करें, आइए देखें हमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए डायलॉग राइटिंग के दौरान। तो दोस्तों, डायलॉग राइटिंग के दौरान जो एक बड़ी मिस्टेक देखने में सामने आती है, वो होती है लॉट ऑफ एक्सपोजिशन। मतलब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम जिसका विजुअल देख रहे हैं या देख चुके हैं, उससे एक अननेसेसरी खिंचाव पैदा होता है कहानी में। और कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन पहले देख चुके हैं, हमें इसे ज़रूरत नहीं, तो जब आप बार बार आप उसे रिपीट करते हैं तो फिर ऑडियंस बोर होने लगती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पर पड़ा हुआ है। अब क्राउड में मतलब कोई आए निकल के और कहे, अरे अरे इसका तो एक्सीडेंट हो गया। दूसरा कहे, हाँ काफ़ी खून भी निकल रहा है। तो ये आपको काफ़ी अननेसेसरी सा लगेगा कि हाँ यार, हमें यहाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है, अब कहानी को आगे बढ़ाओ, अरे कोई ऑटो रोको, कोई ये करो, क्या कहते हैं, इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाओ। वैसे ही अगर हम ये मान लेते कि उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसके किसी जानकार को, उसके किसी करीबी को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अब उसके घर पर फ़ोन गया और फ़ोन सुनते ही आप वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर किसी का, आपके किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया है, उसका बहुत खून निकल रहा है। इन एक्सपोजिशन से बची ये फिल्म को अननेसेसरी खींचती हैं, ऑडियंस को बोर करती हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप एक सिंपल सा कट दिखा दीजिए कि हाँ भाई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आदमी के पास, क्या कहते हैं, उसके रिश्तेदार के पास फ़ोन गया और वो इन्फॉर्मेशन उसके एक्सप्रेशंस वगैरह के थ्रू रिवील हो जाएगी। आपको उसे दोबारा एक्सपोजिशन के थ्रू अपनी ऑडियंस को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि हम ना कोशिश ये करते हैं कि यार हम रियल डायलॉग्स लिखें, जैसा लोग बोलते हैं उस चीज़ को मिमिक करें। और ये ज़रूरी भी है, डायलॉग्स नेचुरल लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब ये लगे कि नहीं यार, ये हम नॉर्मल लाइफ में हम ये यूज़ नहीं करते। अनटिल अनलेस हम कोई पीरियड फिल्म क्रिएट कर रहे हैं जब शुद्ध हिंदी में बात की जाती थी, या शुद्ध संस्कृत की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ही उर्दू, खालिस उर्दू ज़बान का हम यूज़ कर रहे हैं, तब ठीक है, वो लैंग्वेज वहाँ चल सकती है। लेकिन आज के दौर में, मॉडर्न नॉर्मल वर्ल्ड में, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वही चलती है। लेकिन उसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है
कि हम उसे रियल दिखाने के चक्कर में बोरिंग कर देते हैं। अब आपको यह एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि फिल्मों में रियल नहीं रियलिस्टिक चलता है। रियल और रियलिस्टिक में एक बहुत बड़ा फर्क है। रियलिस्टिक ये है जो रियल जैसा लगे, नेचुरल लगे। अब कई लोग अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि आप बाहर जाइए, लोगों की बातें सुनिए। हाँ, बातें सुनिए, कई बार आपको कुछ इंटरेस्टिंग टोन सुनने को मिलती है, कुछ इंटरेस्टिंग बिहेवियर सुनने को मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स सुनने को मिलती हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें रियल में लोग बात कैसे करते हैं तो उनकी बात कभी भी फोकस नहीं होती है। अगर आप 15-20 मिनट उनकी बात सुनेंगे, एक टॉपिक से शुरू होकर दूसरे टॉपिक पे कहीं और ही कुछ भी चल रहा है, मतलब कोई एक फोकस पॉइंट नहीं होता है उनकी क्या कहते हैं कन्वर्सेशन का। लेकिन फिल्म में इसके उलट, हमें कहानी को आगे बढ़ाना होता है। एक डायलॉग के थ्रू कैरेक्टर को कहानी की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है डायलॉग्स का फोकस्ड होना। तो कई बार रियल होने के चक्कर में राइटर्स जो है वो ज़्यादा ही बह जाते हैं और फिल्म की कहानी से भटक जाते हैं, जिसके कारण अगेन दर्शकों को नगले लगता है कि यार अब ये कुछ ज़्यादा ही मामला खींचा जा रहा है, अब तो बोरिंग हो रहा है। तो इस बोरिंग से बचाने के लिए रियल नहीं रियलिस्टिक रखिए, नकल कीजिए ताकि नेचुरल जैसा लगे, नेचुरल करने के चक्कर में उसे बोरिंग मत बनाइए। अब इसके बाद आता है हमारा एवरीडे कन्वर्सेशन का पॉइंट। देखिए क्या होता है, हर सीन जैसे शुरू हो रहा है और उसमें यह है कि दो कैरेक्टर सामने बात कर रहे हैं, अगर आप हमेशा इस चीज से शुरू करेंगे कि हेलो आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ आसपास देखा मौसम काफ़ी अच्छा है, तो बातचीत वही अगेन बोरिंग सिमिलर टॉपिक्स पे और ऐसा लगेगा कहानी कहीं जा नहीं रही है। तो इन चीज़ों से बचे, कोशिश कीजिए कि इस सीन का जो मुद्दा है आप भले ही मिडिल से शुरू कर लीजिए, थोड़ा उसमें ड्रामा दे दीजिए। इनिशियल कन्वर्सेशंस अगर आपको लगता है कि हाँ ग्रीटिंग्स होनी चाहिए तो ग्रीटिंग्स भी थोड़ा सा उसे इंटरेस्टिंग अंदाज में कहिए, और बार बार इन चीज़ों को हर बार सीन की शुरुआत करने की कोशिश मत कीजिए कि सीन की शुरुआत में लोग इस तरीके से बात अपनी शुरू करेंगे फिर मेन मुद्दे पर आएंगे। नहीं, सीधे मेन मुद्दे पर आइए, डायलॉग्स को शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए, इंटरेस्टिंग रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है डायलॉग राइटिंग के दौरान वो है ओवर राइटिंग की। ओवर राइटिंग से मेरा मतलब है कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर खींचते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हीरो ने अपनी हीरोइन को पहली बार देखा है तो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है अपने दोस्त से कि क्या खूबसूरती थी वो यार। अब उसने एक दो लाइन में ये चीज़ अगर बताई कि हाँ वो कितनी खूबसूरत थी, बस मेरा तो दिल की धड़कन रुक गई उसे देखते ही, तो ओके कुछ देर ऑडियंस आपको एंजॉय कर सकती है अगर आपने इंटरेस्टिंग अंदाज में वो बात की। लेकिन अगर हमारा हीरो सिर्फ बस ऑडियंस के सामने अपनी हीरोइन की खूबसूरती ही एक्सप्लेन करता जा रहा है, 6-10 लाइनें होती जा रही हैं, तो फिर ऑडियंस कहेगी भैया रुको, थोड़ा आगे बढ़ो, जान गए हीरोइन खूबसूरत है, हम देख भी चुके हैं कि हीरोइन खूबसूरत है, उसकी सारी खूबसूरती हमें आँखों से विजुअल्स के थ्रू मिल चुकी है, तो अब अपने डायलॉग्स में जल्दी से जल्दी उसकी खूबसूरती का बखान कीजिए और अब कहानी में आगे बढ़िए। तो इसी वजह से प्लीज़ ओवर राइटिंग से बचिए। अगर आपको लगता है कि दो लाइन में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है तो उसे 7-8 लाइन में खींचने से बचिए। भले ही फर्स्ट ड्राफ्ट में आप 7-8 लाइनें किसी सब्जेक्ट पे लिख दें, लेकिन फिर उन्हें दोबारा रिव्यू कीजिए, दोबारा से एडिट कीजिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मैं 7-8 लाइनों के बजाय 1 या 2 लाइंस में ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा इंटरेस्टिंगली दे सकता हूँ। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा, आपकी राइटिंग को क्रिस्प भी करेगा और वो याद रखने वाले डायलॉग आप लिख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी ही मतलब मैं कहूँगा एमेच्योर लेवल पे एक जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो होती है
रिपीटिशन, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमने देखी है, वही इन्फॉर्मेशन एक बार एक्टर ने बोल भी दी, लेकिन उसके सामने वाला कैरेक्टर वही इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट भी कर रहा है। जैसे कि मतलब हीरो ने कहा कि विलेन को धमकी दी, मैं तुझे मार डालूंगा। विलेन गुस्से में आता, तुम मुझे मार डालोगे? हाँ, मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें कहते हैं हम रिपीटिशन, और ये काफ़ी ख़राब लगता है। एक लाइन जब एक बार कह दी गई है, उसका इम्पैक्ट आ चुका है, तो अच्छा होगा कि आप उस लाइन को रिपीट करने से बचें, बार बार वही इन्फॉर्मेशन देने से बचें, क्योंकि उससे अननेसेसरीली आपकी बस लेंथ बढ़ रही है, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है कहानी में। तो प्लीज़ जहाँ भी हो सके रिपीटिशन से बचने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी प्रॉब्लम की, जो कि है अनओरिजिनल डायलॉग्स। देखिए, हम जब भी राइटिंग शुरू करते हैं तो काफ़ी फिल्म से हम इम्प्रेस होते हैं, काफ़ी उनके डायलॉग से हम इम्प्रेस होते हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं डायलॉग्स को किसी तरह रिपीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। ये स्क्रिप्ट में आपकी इमैच्योरिटी दिखाता है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप ओरिजिनल थॉट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आप पुराने वेल एस्टैब्लिश्ड डायलॉग्स को मतलब लिखकर अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि अमेच्योर भी है, इनसिंसियर भी है, और ये कहानी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक हो, उसका वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक लगे, तो उसकी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि जितनी यूनिक हो सके। कोशिश कीजिए कि पुरानी फिल्म्स के डायलॉग्स या मतलब घिसे पिटे डायलॉग, घिसे पिटे मुहावरों से बचने की कोशिश करें, सेम थॉट को किसी नए डायलॉग के थ्रू, किसी नए मुहावरे के थ्रू कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जाइए, आजकल तो इंटरनेट आ गया है, नई नई चीज़ें सर्च करने का मौका है, मुहावरे ढूंढिए, लाइंस ढूंढिए, खुद अपनी लाइंस मैन्युफैक्चर कीजिए, ओरिजिनल आइडियाज़ पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि अनओरिजिनल डायलॉग बहुत ही बोरिंग लगता है और एज अ राइटर तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पे है, जो कि है ओवर स्मार्ट डायलॉग। स्मार्ट डायलॉग्स लिखने में अच्छे लगते हैं, कुछ लाइन आप अलग रिदम से कह देते हैं, कुछ लाइन आप इंटरेस्टिंग तरीके से कह देते हैं, ऑडियंस को सुनने में ही अच्छा लगता है, पर उसी चीज़ को राइटर कभी कभी ओवर इम्प्रेस करने के चक्कर में उसी चीज़ को बार बार हर सीन में रिपीट करने लगता है, कैरेक्टर के थ्रू उसे बार बार कहा जाने लगता है, और ये फिर कहीं ना कहीं ऑडियंस को बोर करने लगता है। तो अगर कोई लाइन आपको अच्छी लग भी रही है, इंटरेस्टिंग लग भी रही है, या किसी कैरेक्टर का बात करने का तरीका आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कोशिश कीजिए कि एक दो सीन में उसे एस्टैब्लिश करके वो स्मार्ट लाइंस लिखने से बचें, क्योंकि वहाँ पर एफर्ट दिखाई देता है कि राइटर ने अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए यहाँ लाइंस डाली हैं। ये कैरेक्टर नेचुरली ऐसी लाइंस नहीं बोलता है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हाँ यार, एक दो बार बोलने के बाद कोई नॉर्मल आदमी इस तरीके से बार बार ये लाइंस नहीं कहेगा। वहाँ राइटर की इन्फ्लुएंस दिखाई देती है, ना कि कैरेक्टर नेचुरल फील होता है। तो कैरेक्टर नेचुरल फील हो, उसकी बोली गई बातें नेचुरल फील हो, इसलिए कोशिश कीजिए कि ओवर स्मार्ट डायलॉग लिखने से बचिए। तो दोस्तों, ये था हमारा डायलॉग्स के बारे में आज का पटकथा प्रवचन, कि हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स ड्यूरिंग राइटिंग डायलॉग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म स्कूल के इस चैनल को शेयर भी कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल अब आपसे विदा चाहूँगा। मिलेंगे ये फिल्म स्कूल के नेक्स्ट पटकथा प्रवचन में। थैंक यू।